तो दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आप ही के चैनल उषा की किरण में। दोस्तों आज हम एक और हमारे कस्टमर हैं, उनसे हम बात करेंगे जो कि यात्री ई रिक्शा को चला रहे हैं पिछले 2 सालों से, और इनसे हम जानते हैं कि इस ई रिक्शा के रिगार्डिंग इनकी जो है क्या फीडबैक है। तो सर नमस्कार, आपका पहले नाम बताइए, आपका नाम क्या है? मेरा नाम जय किशन है। जय किशन जी हैं आप इंदौर शहर से, और आप जो है यात्री के इस ई रिक्शा को चला रहे हैं। सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगा सर कि आपने इसको कब खरीदा था? मैंने इसको खरीदा था 2 साल पहले। 2 साल पहले खरीदा, और मुझे लग तो नहीं रहा कि ये 2 साल पहले का है, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि ये 6 महीने पहले खरीदा आपने। मतलब कि पूरा एकदम मतलब A1 कंडीशन के अंदर ये बना हुआ है। इसका पेंट वेंट ज्यादा अच्छा है क्या? कलर ज्यादा अच्छा है क्या जो 2 साल में फेड नहीं हुआ है? इसके देख रेख है ना सर। अच्छा, आप इसकी साफ सफाई मतलब प्रॉपर करते रहते हैं? हाँ सर। तो दोस्तों आप देख सकते हैं 2 साल का इसकी उम्र हो चुकी है अगर देखा जाए तो, और काफी शानदार हमें ये दिखाई दे रहा है। बारिश वगैरह इसने 2 साल की देख ली है, कीचड़ वगैरह का यहाँ पर हमें कोई नामो निशान नहीं देखने के लिए मिल रहा है, यानी कि ये जो है अच्छी तरह से इसको मेंटेन करके चलाते हैं। जी अच्छा जी, अब आप ये बताओ कि पहले तो हमें कि इसको लेकर के आपके मन के अंदर अगर कोई फीडबैक है तो आप बताओ कैसा है ये? नहीं बढ़िया है सर। बढ़िया है, कमाने के लायक, सही है, कमाने के लायक। पहले मैं सवारी पे चलाता था सर, पर अपन ने इसको कंपनी में लगा दी, फेना कंपनी में, तो अब मैं 1000 से 1200 रुपए रोज कमा लेता हूँ। पहले 1000-1200 रुपए रोज कमा लेते, मेरी बात फेना कंपनी है ना सरफ की, फेना कंपनी सरफ की, उसमें पहले अटैच कर दिए तो अपने पहले इससे 7-8 सौ रुपए होते थे, अब उससे 1000-1200 रुपए हो जाते। अच्छा, मतलब कंपनी के मतलब स्टाफ को लेके चले जाते हो? नहीं, नहीं, सामान छोड़ता हूँ सर। अच्छा अच्छा, साबुन है सामान लेके जाते हो कंपनी का? अच्छा अच्छा, ये अच्छी चीज है। और बाकी अगर आपको टाइम मिलता है तो सवारी में सवारी पे चलाता हूँ ना सर। अच्छा अच्छा, आप बैठ के बताओ मुझे इसके अंदर कि इसके अंदर आपको जो है चलाते समय क्या मतलब अच्छी चीज लगती है, बताओ थोड़ा सा। बढ़िया लगता है सर। आप मतलब अच्छी तरह से बैठ जाते हो इसके अंदर, है ना? एक जन अगर कभी इमरजेंसी में भी होता है तो आगे बिठा लेते ना सर। अच्छा, आगे बिठाने के लिए जगह है ना? आइए पंकज जी, देखो अभी दिखा, बताओ 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 बताओ, ये देखो। तो दोस्तों आप देख सकते हैं रियल लाइफ आपको मैं यहाँ पर पास वाला भी और इधर भी बैठ सकते हैं, आपको चलाते समय कोई दिक्कत नहीं होती? नहीं आई, नहीं आई। हालांकि दोस्तों आई थिंक आपके शहर में अगर इस तरह की सुविधा आपको परमिट करती है, अगर आपकी RTO तो ही आप इसको अलाउ करें, नहीं तो नहीं करें। वैसे ये जो है इंदौर शहर में 2 लोगों को बैठा के चला लेते हैं, तो 2 लोगों के बैठने के बाद में काफी अच्छी जगह है। और अब हम बात करते हैं इसकी चार्जिंग की, तो ये कितने समय लेता है चार्ज होने में? सर ये 4 से 5 घंटे लेती है। 4 से 5 घंटे पूरी चार्ज, फुल चार्ज होने में? मैं इसको चलाता हूँ कम से कम 170 किलोमीटर। 170 किलोमीटर अभी सुबह जो चार्जिंग करूंगा तो अभी दोपहर में खत्म हो जाएगी। हाँ। अब जो दोपहर में चार्ज करूंगा तो फिर वो रात को 10-11 बजे तक चलती है। अच्छा, मतलब आप इसको एक दिन में 2 बार चार्ज करके चला लेते हो? सुबह जो चार्ज रहेगी ना सर तो वो तो अभी 12-1 बजे खत्म हो जाएगी। अब मैं खाना खाने जा रहा हूँ, अभी इसको मैं चार्जिंग पे लगा दूंगा, फिर वो 100 किलोमीटर और बढ़ जाएगी। तो 100 और 70 170 चलाता हूँ, लोग 100 चलाते हैं लेकिन मैं 170 चलाता हूँ। तो 170 किलोमीटर चलाने में आपको थकावट नहीं होती क्या? नहीं होती, इतना तो नहीं चला पाएंगे। नहीं, नहीं कर लेता, चला लेते हो? बिल्कुल। तो दोस्तों जैसा कि जय किशन जी बता रहे हैं कि ये लगभग इसको जो है लगभग 125 किलोमीटर के आसपास चला लेते हैं, यानी कि काफी बड़ी बात है कि इतना एक दिन के अंदर ये चला पाए। उज्जैन भी ले जाता हूँ सर इसको मैं। उज्जैन भी लेके चले जाते हो? उज्जैन ले जाता हूँ, फिर वहाँ अपने ढाबे वाबे पे 2-3 घंटे चार्ज कर लेता हूँ और फिर वापस इंदौर आ जाती है। मतलब अगर अगर चार्ज नहीं करूँ तो अरविंदो पे आके खत्म हो जाएगी, और अगर 1-2 घंटे चार्ज कर लूंगा तो ये इंदौर आ जाएगी। अच्छा जी, मैंने 2-3 बार ट्राई करा ना सर। अच्छा अच्छा, ठीक है, ये आपने अच्छी बात बताई। अब मैं जो रहा आपको जो है दोस्तों इनके जो पैसेंजर बैठे हुए हैं, यानी कि जो हमने बैठाए हैं पीछे की साइड में, उनका दिखा देता हूँ कि यहाँ पर जो है 2 लोग तो इस साइड में बैठे हैं, काफी अच्छे खासे हैं, और 2 लोग इस साइड में बैठ जाएंगे। दादा आप इसमें कितने लोगों को बैठाते हो? इसमें 5 जने को सर। 5 जने, यानी कि 4 लोग पीछे और 1 यहाँ पर, वो भी कोई इमरजेंसी कोई हुआ तो नहीं तो 4 ही बिठाता हूँ। 4 ही बिठाते हो? तो 4 बिठाने के बाद में अगर हम बात करें आपकी कमाई की, तो आपकी कमाई कितनी हो जाती है एक दिन की? कमाई हो जाती है सर 600 से 700 रुपए, और फिर मैं फेना कंपनी में लगा रखी सर, फेना आपने नाम सुना होगा, फेना ही लेना तो उसमें लगा रखी है, तो वो अपन को 500-600 रुपए वो दे देते हैं। मतलब फेना सर्फ वाले आपको दे देते हैं? हाँ। फेना सर्फ आता है ना? जी हाँ सर, एक नंबर है, पुरानी कंपनी है, अब लॉन्च हुई है, ये हरिधाम है ना। हाँ। वहां से मैं माल भरता हूँ, और जैसे राजवाड़ा ये अपने मऊ वहाँ तक छोड़ के आता हूँ, मेरे को 1 मऊ के मिलते हैं 350 रुपए, और राजवाड़ा के मिलते हैं 200 रुपए, और अपने ये पिगडम्बर है यहाँ के 400 रुपए एक। ठीक है ठीक है। अच्छा ये बताओ कि इसके अंदर जो ये इसका डिजिटल इन्फॉर्मेशन दिया है, इसके अंदर आपको पढ़ना देखना बहुत अच्छा आसान हो जाता है? बिना पढ़ा लिखा वाला वो भी अलग ही दिख जाएगा, इसमें डंडे रहते हैं सर। हाँ। अरे लाइट दो कम हो जाएगी, 1 कम हो जाएगी, तो उसमें दिख जाता है कि आप पता चल जाता है कि आपकी बैटरी कितना मतलब वो हो रही है। और दूसरी बात क्या है सर, इनका व्यवहार बहुत अच्छा है। अच्छा। और अपने जैसे छोटा मोटा काम होता है तो इसके पैसे नहीं लगते सर। अच्छा। और दूसरी बात जैसे बड़ा भी काम हुआ तो जैसे ये अपने क्या नाम है उसका जो मेहनत के पैसे लेते हैं वो नहीं लेते हैं, जो पार्ट्स डलते हैं लेबर चार्ज रहती है वो नहीं लेते हैं, और जो
जो पार्ट्स टूटेगा तो उसके लगेंगे सर पैसे, उसके लगेंगे ठीक है। पर वो अभी कम थोड़ी है सर, कम अभी बाजार में जाओ तो 400-500 रुपए लग जाते हैं सर लेबर चार्ज, गाड़ी पूरी खुलवाएगा तो 500-600 तो ये बच जाएंगे ना अपना 3 साल तक के सर। तो दोस्तों हमारे साथ में है राठौर जी, विवेक राठौर जी, जो कि ई सवारी के ओनर हैं इंदौर शहर में और द्वारकापुरी हवा बंगला रोड पर इनका शोरूम स्थित है। जय किशन जी जो है राठौर जी से काफी प्रभावित हैं, तो इनके बारे में ये जो है कुछ कहना चाहते हैं और हम राठौर जी से भी जानेंगे कि इनका क्या व्यू है अपने कस्टमर्स को लेकर के। तो जय किशन जी आप बताइएगा कि इनके बारे में आप क्या कहना चाहते थे। सर इनका व्यवहार बहुत अच्छा है, पहले मैं 7,500 रुपये दे नहीं पाता था तो इन्होंने मेरे लिए बहुत अच्छा काम कर दिया है कि 250 रुपये रोज आप नगद दे जाओ तो आपको किसी से ब्याज से लेना नहीं पड़ेगा और आपका किस्त भी जमा हो जाएगी और आपको इकट्ठा देना भी नहीं पड़ेगा। अच्छा, तो इन्होंने हमारे लिए बहुत अच्छा करा सर। तो राठौर जी ये आपने बहुत अच्छी सुविधा जो है अपने कस्टमर्स के लिए दे रखी है और आपके कस्टमर काफ़ी हैप्पी कस्टमर है, यानी कि आपकी एजेंसी से और आपके ई रिक्शा से। और आप अपने व्यूवर्स के लिए जो कि देश विदेश से आपको देखेंगे, हिंदुस्तान से देखेंगे, उनके लिए अगर आप कुछ कहना चाहें तो आप बोलिए। 2017 में हमने सफ़र शुरू किया था ई सवारी का, आज ये सफ़र पूरा 5 साल पूरे कर लिए और 5 साल बाद आज स्थिति देखते हैं तो हम जहाँ से शुरू हुए थे उससे कई गुना ऊपर जा चुके, जो हमने उम्मीद भी नहीं की थी। हमारा ब्रांड ई सवारी पूरा इंदौर पूरे मध्य प्रदेश में नाम है, 100 में से जो 100 गाड़ी बिकती हैं उसमें से 80 गाड़ियाँ यात्री की होती हैं, तो ये बताता है कि हमारे कस्टमर हैप्पी हैं, हमारे कस्टमर खुश हैं, तब हम ये सारी चीज़ें कर पा रहे हैं क्योंकि हमारा आधार ही हमारे ग्राहक है। कस्टमर्स खुश होंगे तो डेफिनेटली बिजनेस ग्रोथ करेगा और हमारा बिजनेस ग्रोथ का कारण सिर्फ एक ही है कि हमारे कस्टमर्स हैप्पी हैं और हम उनके लिए वो सारी चीज़ें सुविधाएँ मुहैया कराते हैं जो उनको ज़रूरत लगती है समय समय। तो राठौर जी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपने व्यूवर्स के लिए जो है तमाम सारी बातें बताई हैं। दोस्तों अगर आप मुझे इंदौर के आसपास से देख रहे हो और आप चाहते हैं इस तरह के ई रिक्शा को परचेज करना, यात्री सवारी रिक्शा को, लोडिंग रिक्शा को, तो आप राठौर जी से आकर के मिल सकते हैं, जो कि अगर आप महीने में EMI नहीं चुकाते हैं तो इनके पास में और भी स्कीम्स अवेलेबल है जिसके बारे में आप डिटेल में इनके बारे में जानकारी ले सकते हैं। तो ये जानकारी अगर आपको अच्छी लगी है तो इसको शेयर करें अपने दोस्तों में, वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें, पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलेंगे किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।